हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम होममेड माइक किस प्रकार से कैसे बना सकते हैं। देख सकते हैं, ये हमारा होममेड माइक है जो सिर्फ 2 से 3 रुपये में हो चुका है। देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसा है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, अब मैं आपको इसे सुनाने वाला हूँ। आप सुन सकते हैं जो मैं इसे बनाया हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम होममेड माइक इस प्रकार से कैसे बना सकते हैं। देख सकते हैं, ये हमारा होममेड माइक है जो, तो गाइस आप देख सकते हैं इतना बेस्ट क्वालिटी का माइक हम बनाए हैं। सिर्फ आपको लगेगा 2 या 4 रुपए खर्चा इसमें खर्च होता है, उससे ज्यादा कुछ हम खर्च नहीं होने वाला है। सस्ता एकदम चीप माइक हम बनाना आपको सिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक चाहिए क्या, ये हेडफोन का माइक और हेडफोन का जैक। इसका जो वायरिंग कैसा है, कैसे होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो पर बने रहिएगा, प्लीज़ आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत। अगर आपको ये माइक अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक ठोके बिना यहाँ से मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये है वो माइक, ठीक है, वो है, ये है वो माइक जो हम हेडफोन से खोले हैं। और इसमें हम, मतलब मेरा जो पहले पुराना माइक था उसका ही माइक हम इसमें यूज किए हैं, जो हल्का से सेफ्टी पर हल्का सेफ्टी देता है। और ये आपको मतलब रुई का ये बना हुआ है, ठीक है। और ये मतलब ये मेरा पहले का माइक में ही था, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल कर लिए। और ये जो है वो मेरा हेडफोन का जैक है जिसे हम काट के इसमें लगाए हैं। और ये है वो तार जिस तार की मदद से इसे हम लंबा किए हैं, जिसका देख सकते हैं कि ये जो ये तार आपको मतलब आम मार्केट में मिल जाएगा बस 10 रुपये में। इतना आपको इतना लंबा तार तो आपको दे ही देगा, तो बस आपको 10 रुपये में खर्चा में ही आपको पूरा हो जाएगा। अगर ये आपके घर में है तो आपको फ्री में ही हो जाएगा। बस आपको जो खर्च होने वाला है वो सिर्फ इसका होने वाला है, क्योंकि इसे आप दुकान से आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसका जो वायरिंग होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 2 तार होता है, एक होता है रेड एंड एक होता है, हल्का सा जूमिंग करके दिखाओ इसे, हल्का सा रेड जो होता है इसे, हल्का कैमरा को हल्का आगे लाओ। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये है, एक है इसमें रेड और एक है इसमें सिल्वर, ठीक है। और इसे हम इसमें जोड़ते हैं, तो इसका मतलब कोई इसमें आप किसमें भी जोड़ सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि जिस तार को आप रेड जोड़े हैं उसी में आप इसे भी जोड़िएगा, नहीं तो आपका वॉइस नहीं रिकॉर्ड होगा। तो हम रेड को रेड वाला जो आप जहाँ जो इसमें रेड है उसी में हम इसको जोड़ देते हैं। और गाइस ये जो तार है इसे निकालने के लिए आपको हल्का सा पहले इसे गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तार निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हम इसे इसमें जोड़ देते हैं। और ये तार हम इसे ग्रीन वाला में जोड़ देते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से हम कर दें ताकि हल्का से इसे शॉक ना लगे, शॉर्ट सर्किट ना हो। इसे यहाँ पर लगा देते हैं और हमारा ऊपर का काम हो चुका है ख़त्म। अब आता है इसके नीचे के काम के बारे में, नीचे का बारे। तो सेम टू सेम हम इसमें क्या किए, पहले जो लाल वाला तार है उसे हम लाल में जोड़े हैं और जो सिल्वर तार होता है उसे हम सिल्वर वाला में जोड़ दिए। गाइस इसमें आप कि जो जैक होता है ना हेडफोन का उसमें 6 तार होती है, ठीक है। तो आपको रेड एंड सिल्वर जो तार का रंग होता है उसे ही आपको लेना है, बाकी जो दोनों हैं वो हमारे मतलब बोल सकते हैं माइक के काम आता है, माइक पोज करने के लिए, चालू करने के लिए उस काम आता है, बात करने के लिए उसमें काम आता है। तो आपको वो दोनों तार कट कर देना है और
हम इसे रेड के इसे रेड में जोड़ देते हैं, रेड को रेड में जोड़ते हैं और सिल्वर मतलब सिल्वर को जोड़ते हैं ग्रीन में। और ये हमारा बन चुका है होम मेड माइक, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया की लागत में, वो भी 5 रुपया। अगर आपके पास में पहले से ही माइक है तो फ्री का फ्री ये माइक आपका बन के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसके टेस्टिंग के बारे में। इसका हम जो क्या बोलता है वायरिंग सोल्डिंग करना वो आप बाद में कर सकते हैं आराम से, पहले देखते हैं कि ये माइक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसे लगाते हैं अपने फ़ोन में और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हेडफोन का तो सिंबल दिख चुका है। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और देख सकते हैं कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। हल्का सा मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। आप देख सकते हैं कि मेरा जो वॉइस है वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। आप सुनाते हैं इसका रिकॉर्डिंग। तो गाइस, ये है इसका रिकॉर्डिंग। ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। हल्का सा मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। आप देख सकते हैं कि मेरा जो वॉइस है वो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस, सिंपल से तरीके से भी आप माइक बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे हम टैपिंग कर लेते हैं। वीडियो को यहाँ हम पॉज कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम इसके टैपिंग हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जो देखिए दोनों तार को आप अलग अलग दिशा में ही टैपिंग करें ताकि ये दोनों तार आपस में चिपके ना, सटे ना, क्योंकि जब सटेगा तो हो सकता है आपको वॉइस इसका सही से रिकॉर्ड ना हो, हल्का सा गड़बड़ाहट हो, झड़ाहट हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको टैपिंग जो करना है वो दोनों अलग अलग दिशा में करना है। जो वायर है उसे अलग अलग मुंह की तरफ करके इसे टैपिंग करना है। जल्दी से आप इसे टैपिंग कर लें। और गाइस, इससे सस्ता माइक आपको पूरे YouTube में और कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यार बस 5 रुपये खर्च करके भी आप इस माइक को बना सकते हैं। इससे ज़्यादा सस्ता माइक का उम्मीद आप कहाँ कीजिए, छोड़ो। तो ये हो चुका है हमारा पहला वायरिंग, टैपिंग हो चुका है। अब आते हैं इसके निचले हिस्से पर। जो हमारा निचला हिस्सा है सेम टू सेम, इसे भी हम अलग अलग दिशा में ही टैपिंग करेंगे ताकि ये दोनों तार आपस में चिपके ना। अगर चिपकेगा तो इसका वॉइस क्वालिटी सही नहीं आएगा। और हम इसे टैपिंग कर देते हैं ये कुछ इस तरीके से। गाइस, हमारा जो माइक है पूरी तरीका से रेडी हो चुका है। इसे बनाने में कुछ भी खर्चा नहीं लगा है। चलो वीडियो को अपने हल्का से ज़ूम इन करो, मेरा सेटअप उधर दिखाओ भाई। तो गाइस, आपने देखा कि हम किस प्रकार से इस माइक को बनाए हैं। इसका टेस्टिंग भी हो चुका है, प्योर अच्छा वॉइस क्वालिटी इसका आ रहा है, वीडियो का, साउंड का भी। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। और गाइस, ये हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो सब्सक्राइब का बटन देखिए नीचे में होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में मात्र 5 सेकंड से भी कम समय लगता है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो उसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद